8 जुलाई, और पिछले 24 घंटा में इंटर ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल भी हुआ है। हाईएस्ट बारिश था बांकी में कटक डिस्ट्रिक्ट में 65.0 मिलीमीटर, केवंझर डिस्ट्रिक्ट का घासीपाड़ा में 57.4 मिलीमीटर, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट का सेनतला 57.0 मिलीमीटर, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का पात्रपुर 56.4 मिलीमीटर, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लेफ्रीपाड़ा 50.2 मिलीमीटर। हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी रेनफॉल हुआ है कल 5.8 मिलीमीटर। और हमारा स्टेट एवरेज रेनफॉल मीन्स राज्य का एवरेज जो रेनफॉल लास्ट 24 आवर्स में, उसमें हुआ है 10.4 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 9.3 मिलीमीटर। तो अभी स्वाभाविक बारिश पिछले 24 घंटा में हुआ है। अभी हमारा फोरकास्ट जो है अगला 5 दिन का फोरकास्ट जो हमारा है, अगला 5 दिन ही हमारा मानसून का स्वाभाविक बारिश का पॉसिबिलिटी है। मेनी प्लेसेस टू बारिश होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। हैवी रेनफॉल का भी पॉसिबिलिटी है मेनली नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और इंटीरियर का जगत सिंहपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्द्र, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है। फिर कल 9th, 10th, 11th इसमें मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा, एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल भी पॉसिबिलिटी है। 12th में भी हमारा बारिश साउथ कोस्टल रिसर्च सिस्टम में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश का पॉसिबिलिटी है, एक दो जगह में हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल्स हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है अगला 2-3 दिन में। ओके।